सिर पर सफेद गमछा बांधे, काले कुर्ते और सफेद पैजामा में दिख रहा ये ओवरवेट शख्स अतीक अहमद है, जिसने करीब करीब 30 साल तक पूर्वांचल के कई जिलों में अपनी धमक का ओवर हाइप बना रखा था। सिपाहियों के धकियाते हुए पुलिस वैन में बैठाने से जिस अतीक अहमद के चेहरे पर झल्लाहट और खौफ दिख रहा है, कहा जाता है कभी उसके खौफ से पुलिस अफसर भी कानून का इनकलाब नहीं बुलंद कर पाते थे। जो अतीक अहमद 10वीं पास नहीं हो सका, उसकी तूती पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस तरह बोलती थी कि छात्र संघ हो, एडमिशन हो या हॉस्टल अलॉटमेंट, हर जगह अतीक का आदमी है कहकर काम चल जाता था। साल 1989, 1991, 1993, 1996 और 2002 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से लगातार विधायक चुना जाने वाला अतीक सरकार किसी की भी रही हो, क्षेत्र में खुद सरकार कहलाता था। साल 2004 में फूलपुर संसदीय सीट से सांसद बनने के बाद तो उसका वर्चस्व चरम पर था। वह पूर्वांचल के तमाम क्षत्रपों को चुनौती देता, अपनी ताकत का एहसास कराता और इलाके में अपने मन मुताबिक सत्ता चलाता। राजनीतिक रूप से खुद को इतना ताकतवर समझता था कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए निर्दलीय ही नामांकन कर देता है। हालांकि बाद में उसने अपना पर्चा वापस कर लिया। वक्त का पहिया किस कदर घूमता है और इंसाफ देर सवेर कैसे होता है, ये साबरमती जेल से नैनी जेल तक के सफर में अतीक की जो तस्वीरें आई हैं, उसमें उसके चेहरे से साफ देखी जा सकती हैं। जो अतीक अपने भाषणों में ये कहता था कि हमारे पास लोग केस में से अपना नाम हटवाने के लिए, धारा कम कराने के लिए और पुलिस गिरफ्त से छुड़वाने के लिए लाइन लगा कर आते हैं, वही पुलिस के चंगुल में इस तरह फंसा है कि अब उसके तमाम दांव खत्म हो गए हैं। उमेश पाल अपहरण केस में उसे प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक जो कभी खुद न्याय करने का दावा करता था, अब उसी अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जो जेल में कभी सल्तनत चलाने का दावा किया करता था, अब वह ताउम्र जेल में रहेगा। बता दे कि उमेश पाल केस में 11 आरोपी थे, जिसमें एक की मौत हो गई है। कोर्ट ने अतीक समेत तीन को 364A, 34120, 341, 504, 506 की धाराओं में दोषी पाया है। बाकी 7 लोग दोषमुक्त हो गए, इसमें अतीक का भाई अशरफ भी शामिल है। ऐसे में 17 साल की उम्र में टांगे वाले के एक लड़के ने जिस तरह से जरायम की दुनिया में एंट्री ली थी, जो खौफ बनाया था, वही खौफ उसके सामने है। कानून को अंगुलियों पर नचाने का दावा करने वाला ये भूल गया था कि न्याय हर जगह होता है। हाँ, अतीक के साथ न्याय होने में समय लगा। अब अतीक को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। अब पूरी जिंदगी वह सलाखों के पीछे रहेगा और अपने किए की सजा भुगतेगा।